दुनिया के लगभग सभी देशों और धर्मों में व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू संस्कृति के विद्वानों के अनुसार व्रत क्रिया को संकल्प सत्कर्म अनुष्ठान भी कहा जाता है। व्रत करने से मनुष्य की अंतरात्मा शुद्ध होती है। इससे ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, मेधा, भक्ति और पवित्रता की वृद्धि होती है। अकेला एक उपवास या व्रत अनेकों शारीरिक रोगों का नाश करता है। नियमित व्रत और उपवासों के पालन से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है, ये सर्वथा निर्विवाद है। शास्त्रों में ये कहा गया है, व्रियंति स्वर्गम व्रजन्ति स्वर्ग मनेन वा, अर्थात जिसने स्वर्ग में गमन और स्वर्ग का वर्ण होता है। ऋषियों आचार्यों ने तपस्या, संयम और नियमों को व्रत का समानार्थक माना है। वास्तव में व्रत और उपवास दोनों अलग हैं। संस्कृत में उप मायने समीप और वास का अर्थ बैठना यानी परमात्मा का ध्यान लगाना, उनकी जप स्तुति करना है। इनमें एक अंतर और भी है कि व्रत में भोजन किया जाता है और उपवास में निराहार रहना पड़ता है। व्रत उपवास हिंदू संस्कृति एवं धर्म के प्राण है। व्रतों पर वेद, धर्मशास्त्रों, पुराणों और वेदाग्नों में बहुत कुछ कहा गया है। व्रतों पर व्रतराज, व्रतार्क आदि अनेक लेख और निबंध लिखे गए हैं। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ, तप और दान ही मनुष्य के जीवन के प्रमुख और महत्वपूर्ण कर्म माने गए हैं। व्रत और उपवास की नियम पालन से शरीर को तपाना ही तप है। व्रत अनेक हैं और अनेक व्रतों के प्रकार भी अनेक हैं। ये कायिक, वाचिक, मानसिक, नित्य, नैमित्तिक अलग अलग रूपों में किए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।